राजस्थान राज्य आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन 1949 में राज्य का गठन किया गया था, जब राजपूताना को भारत के डोमिनियन में जोड़ दिया गया था। इसके चलते एक नया राज्य बना जिसका नाम राजस्थान पड़ा, लेकिन इसमें करीब 9 साल का समय लगा था। राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रदेश में आज 30 मार्च का दिन राजस्थान दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान दिवस पर एक लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश के 2,00,000 से अधिक सम्मानित लाभार्थियों से सीधी बात की और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। सचिन पायलट गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राइट टू हेल्थ को लेकर विरोध कर रहे डॉक्टरों से भी मुलाकात की और सरकार से बीच का रास्ता निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी मामले पर तकरार के बीच किसी भी पक्ष को अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए और एक समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश किए गए सबूतों को गलत पाया, जिसके आधार पर जयपुर ब्लास्ट में पकड़े गए मोहम्मद सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को बरी कर दिया गया। बता दें कि बम धमाके को लेकर लंबी चली कानूनी प्रक्रिया के बाद 2019 में 4 आरोपियों को जयपुर जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। राजस्थान में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाई कोर्ट को 4 दोषियों को बरी करने पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई। पायलट ने दोषियों की रिहाई को दुखद बताते हुए कहा कि किसी ने तो ब्लास्ट किए ही होंगे, ऐसे में इस विभत्स आतंकी घटना को अंजाम देने वालों की रिहाई अपने आप में दुखद। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसमें पिछले 10 दिनों से डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। इस बीच डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर अब एक राहत की खबर सामने आई, जहां आंदोलन कर रहे रेजिडेंस डॉक्टर ने गुरुवार से आंदोलन खत्म कर वापस काम पर लौटने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ का अभियान छेड़ दिया है, तो साथ ही राजधानी में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर आप नेताओं ने पोस्टर लगाकर इसकी शुरुआत की। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने पोस्टर लगाकर पार्टी के इस अभियान का आगाज किया। उन्होंने बताया कि जब तक मोदी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ऐसे अभियान चलाते रहेंगे। रामनवमी के मौके पर कथावाचक साध्वी रितंभरा का प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी ने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य की प्रशंसा भी की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री रामनिष्ठ व धर्मनिष्ठ हैं। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के मौसम का हाल एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए राज्य के कुछ इलाकों में बादल गरजने के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।